बस चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ बादलों के अंदर। जब यहाँ तक आ गए हैं तो आगे भी भोलेनाथ लेके जाएंगे। आप देख रहे होगे मेरे पीछे कितने बादल हैं। तो बस जितना स्लो चलेंगे उतने आराम से पहुँचेंगे। अगला पड़ाव हमारा, थोड़ी देर बैठेंगे 3-4 मिनट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। भैया से मिलके बहुत अच्छा लगा। इतने खुशी से जा रहे हैं क्योंकि काफी लोग वापस आते हैं, देख के बहुत मोटिवेशन मिला। ऐसे अच्छे दर्शन हुए हैं, ऐसे हंसते हंसते जाएंगे। प्रभु आपको भी बहुत अच्छे दर्शन देंगे, बहुत अच्छे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, भोले राम। तो हम पहुंचे हैं अभी कालीघाटी और बहुत थक गया हूँ मैं। मेरे दोस्त पीछे से आ रहे हैं तो मैंने सोचा जब तक वो यहाँ तक आते हैं तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। मैं बता नहीं सकता कि क्या फील कर रहा हूँ यहाँ पे। बस खुशी है कि मैं यहाँ तक आया। तो इस जगह को कालीघाटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ कुछ दिखता नहीं है, बादल बहुत ज़्यादा रहते हैं। और मेरे साथ यहाँ पे एक छोटा सा टेंट है जिसमें दारजी मिले। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय श्री खंड महादेव, जय श्री खंड महादेव। सबकी सेवा करते हैं ये। और मैं आपको बता नहीं सकता, इनका यहाँ पे होना ही लोगों के लिए इतना बड़ा सहारा होता है कि जब इंसान चढ़ता हुआ चला आता है उसको रास्ते में कुछ मिलता नहीं है और वो देखता है कि कहीं पे एक टेंट लगा हुआ है जहाँ पे भोले बाबा बैठे हुए हैं दूसरे रूप में लोगों की सेवा करने के लिए, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं बस। क्योंकि इतनी दुर्गम जगह पे यहाँ पे आपको खाने पीने का सामान, आपको फ्रूटी मिल रही है, आपको चाय मिल रही है, मैगी मिल रही है, खाना मिल रहा है और सब भोले बाबा इस रूप में बैठ के करते हैं। दारजी आपको देख के बहुत सुकून मिला। जय शंकर, जय शंकर। आप नीचे ही रहते हैं? मैं होशियारपुर पंजाब। होशियारपुर पंजाब जी। तो आप हर साल यहाँ पे आते हैं, यहीं पे रहते हैं मोस्टली? नहीं नहीं, यहाँ पे जब यात्रा होती तभी, जब ऑफिशियल सरकारी यात्रा होती है, राइट? हाँ। अच्छा, क्या बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। धन्यवाद, जय भोलेनाथ। उस मेट्रो एयरपोर्ट तक गए? हाँ, मैं बताता रहा हूँ, जिस दिन मैं पहली बार गया था ना उस दिन फर्स्ट डे था मेट्रो का, मेरे को आज भी याद है। आप लोग कहाँ से आए हो भाई? आप लोग कहाँ से हो? वैसे तो लोकल है पर लुधियाना रहते हैं। अच्छा, हिमाचल से हैं? हिमाचल। वैसे इसीलिए ना मैदानी लोगों को चढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कोई दिक्कत नहीं, जिसके ऊपर भगवान की कृपा है ना यहाँ तक पहुँच गए, सही बात, आगे भी जाओगे। चाय पी लो। तो अभी जस्ट निकले हैं कालीघाटी से, चाय वाय पी है, 2 जूस के पैकेट्स और फिर से चढ़ाई शुरू। जय माता दी।
तो अभी हम जब जो पहाड़ चढ़े हैं, अब यहाँ से ढलान है, तो पहली बार हमें तो अच्छा लग रहा है कि हम नीचे उतर रहे हैं। आप देख रहे हो ये पहाड़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ये पत्थर जितने भी हैं सारे यहाँ पे आते हैं नीचे और नीचे चलते चले जाते हैं। तो भोलेनाथ की कृपा है कि बरसात नहीं हो रही है, वरना ये टेरेन और भी ज़्यादा टफ होता चला जाता, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि कितनी जल्दी हो सके इस पहाड़ से निकलें और लैंडस्लाइड वाले इलाके से बाहर निकलें। तो होप सो कीप आवर फिंगर क्रॉस्ड, महादेव यहाँ तक लाएँ तो आगे भी ले जाएंगे। हमारे साथ हैं सर और मैम, तो मैम का आज है बर्थडे और दोनों की लड़ाई हुई है, इसलिए सर आगे चल रहे हैं। फूल लेके बना रहे हैं। वैसे मैम आप लकी हैं, यहाँ पे इतनी दूर आप साथ में आई है, सर के सर भी लकी है। वैसे यहाँ कपल्स बहुत कम दिखते हैं, खासकर मैरिड, क्योंकि लोग सोचते हैं यहाँ पे या तो दोस्तों के साथ है या फिर आप लोगों को मिलकर पता नहीं। थैंक यू, साथ में चल भाई। ओ नजर ही नहीं आ रहा भाई, कड़ाके ठंड भाई। और भाई ठीक हो गया ना? हमारे विशाल भाई द्वारा बहुत ही बढ़िया एफर्ट, और इन्होंने जितना मोटिवेट किया उतना किसी ने नहीं किया, किसी मोटी ने भी नहीं किया। तो अभी हमें काली घाटी से नीचे उतर रहे हैं और अचानक से थोड़ी सी बारिश शुरू हो गई है। तो अभी हमें जाना है वहाँ पे, और ये झरना ऊपर से गिर रहा है, पूरा पहाड़ है बादल से ढका हुआ और ये नीचे बह रहा है झरना। तो हमारा ट्रैक ये नीचे से आप देख रहे हो, ये रोड गई हुई है, झरना पार करेंगे और होते हुए उस तरफ जाना है हमें, बादलों की उस तरफ।